हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा IUPAC का वीडियो जो है वो पार्ट 6, जिसमें अपन पढ़ेंगे मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप एंड फॉर्मल IUPAC। यानी कि ये जो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो हमने इससे पहले पार्ट्स में इंडिविजुअल डिस्कस किया था, अब इसमें ऐसा कोई IUPAC स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें एक साथ दो तीन कितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो, तो उसको बोलते हैं मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप। मल्टी मेन फंक्शन, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर में एक साथ आ जाए तो उस केस में नॉमिनिक्लेचर कैसे होगा, नंबर वन। दूसरा, अगर ये साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो तो कैसे करेंगे, और एक इसके साथ अपन सीखेंगे फॉर्मल IUPAC। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप। यानी कि गिवन स्ट्रक्चर्स में इफ मेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट मोर देन वन टाइम्स इन अ स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर फॉर्मूला अपन सीख लेते हैं कि नॉमिनिक्लेचर में नाम कैसे लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स एक तो सब्स्टिट्यूएंट्स, वही वापस से सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना है, और उसके बाद में आपको रूट वर्ड प्लेस करना है। रूट वर्ड के बाद में अगेन PSF, PSF का मतलब प्राइमरी सफिक्स, AN, EN, IN, है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनमें से कोई भी अवेलेबल हो। ठीक है, और उसके बाद में आएगा जो अपन जिसको अपन सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, उसको अपन यहां पे अब नाम दे देंगे सेकेंडरी सफिक्स, या इसको कह सकते हैं SMF। SMF का मतलब होगा स्पेशल मेन फंक्शनल ग्रुप। सारे ही मेन होंगे लेकिन स्पेशल मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी कि अब आपको स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसको इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपके रूल सेटअप है। तो इसको या तो आप SSF सेकेंडरी सफिक्स, या इसकी जगह SMF स्पेशल मेन फंक्शनल ग्रुप को बना, जो प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा। ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए एक ही स्ट्रक्चर में, एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे सपोज स्टूडेंट्स आपके पास में कोई ये एक डैश लाइन स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें आपके पास में SO3H भी प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है, NH2 भी प्रेजेंट है, और अमाइड भी प्रेजेंट है, और लास्टली अपन COOH भी प्लेस कर देते हैं, जैसे ये कुछ, और बाकी ब्रोमो टेबल वन के जितने भी ब्रोमो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट तो रहेंगे ही रहेंगे। अब जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया गया स्टूडेंट, इसका IUPAC लिख रहा है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले अमाइड भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, SO3H भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एसिड मिल गया, सल्फोनिक एसिड मिल गया, अमाइड प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है, और अमाइंस प्रेजेंट। ये जो मैंने रेड टिक किए हैं, ये सारे इस गिवन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो अब इसमें यहां पे स्टूडेंट्स अपन को एक प्रायोरिटी ऑर्डर, जो ये सीक्वेंस बनी हुई है, और ये आपने याद भी की थी, आपको याद होगा प्रीवियस वाले में, एसिड सिंपल नेम इज एनहाइड्राइड, इसको कॉक्स की डिजीज हुई, अमाइड का वैक्सीन लगा, साई की आई कृपा, है ना, ऑल इज वेल ने की है थोड़ी अरमानी, और साइकिल चली इन एंड आई। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जो जो इस फंक्शनल ग्रुप में, इस स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट है, उनमें से देखो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है। तो अभी अपने पास एसिड है, तो इसीलिए प्रायोरिटी में सबसे ऊपर जो होगा वो कौन सा आ रहा है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। मान लीजिए इसमें कार्बो ऑक्सैलिक एसिड नहीं हो, इसको अपन हिडन कर लेते हैं, ऐसे हिडन कर लेते। अब देखिए अब आपका प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कौन आ रहा, अमाइड। तो अमाइड हमारा SMF यानी कि स्पेशल मेन। यानी कि स्टूडेंट्स सफिक्स एक ही, सेकेंडरी सफिक्स एक ही हो सकता है, वो इनमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप का होगा जो प्रायोरिटी में, उस गिवन स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता हो, उसी का सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। यानी कि बाकी फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, तो बाकी फंक्शनल ग्रुप के स्टूडेंट्स प्रीफिक्स यूज होंगे। ठीक है, तो SO3H का भी आपको प्रीफिक्स लेना है, अमाइड का भी प्रीफिक्स लेना है, एल्कोहल का भी प्रीफिक्स लेना है, अमाइन का भी प्रीफिक्स लेना है। सिर्फ एंड सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स जो होगा
वो प्रायोरिटी में पहले, मान लीजिए ये नहीं है प्रायोरिटी में, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें तो अब कौन है, तो इनमें से जो सबसे ऊपर आएगा उसका सफिक्स। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखनी है कि सेकेंडरी सफिक्स एक ही हो सकता है और वो जो प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा उसी को आपको सफिक्स में कंसीडर करना है, बाकी सारे मेन फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स यूज होंगे। और जब भी किसी सब्सटेंस का ग्रुप का प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे अपन नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं क्लोरो ब्रोमो, ये भी क्या है, प्रीफिक्स है, और इनके अब अपन प्रीफिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें सफिक्स किसका लगेगा ये सेलेक्ट करना है। ये किस बेस पे सेलेक्ट करें, फिर से रिमाइंड करो, किस बेस पे सेलेक्ट करके किसका सफिक्स लगेगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा उसका तो सफिक्स यूज होगा, बाकी सारे मेन फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स होगा तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं, तो इन पूरे प्रायोरिटी में COS हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है, तो इसका आपको सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, जो भी एज यूजुअल ओइक एसिड वगैरह जो हम इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, अब रूल आपके नए कुछ नहीं, सारे रूल वही है जो इससे पहले अपन ने मल्टी फंक्शनल ग्रुप में पढ़े, कार्बन कंटेनिंग और विदाउट कार्बन। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग को हमेशा वन नंबर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब ये तो अपने सब्स्टिट्यूएंट पहले से ही है ब्रोमो क्लोरो, बाकियों के प्रीफिक्स क्या होते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो SO3H का याद कर लीजिए सल्फो, है ना, वो टेबल देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में आपने टेबल रीड को, उसमें सारे प्रीफिक्स लिखे हुए किसका प्रीफिक्स क्या होता है, और यहां पे क्या आ जाएगा, OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइनो, है ना, अमाइनो, और इसका क्या होगा, CONH2 का कार्बोमाइल, ये आपके सारे प्रीफिक्स हो गए। अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में लिख दीजिए सारे के सारे, है ना, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 3-amino, तो ये लिख दीजिए 3-amino। ठीक है, उसके बाद में बी पे आ जाइए, अल्फाबेटिकली अरेंज करते जाएंगे, तो ये आपका 6-bromo। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलो देखो क्लोरो में CH, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, क्लोरो में CHL हो जाएगा, इसमें CA है। ठीक है, बाकी अमाइन H और, तो सब C में से पहले कौन आएगा, CHCA, तो CA पहले आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 2-carbomyl, फिर आपका आ जाएगा 4-chloro, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका H पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका 5-hydroxy के बाद 7-sulfo, ये कंटिन्यू है स्टूडेंट्स, है ना, वहां से सल्फो। अब ये आपके सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए, इंक्लूड मेन फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब आएगा रूट वर्ड, गब्बर डायलॉग, कितने कार्बन थे, तो 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑक्ट। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स में एन लगाना, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है, एन का ई हटा दीजिए क्योंकि इसका क्या है, ओइक एसिड, तो ई हटते इसके साथ 1-OH या ओइक एसिड, तो ये इसका मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप। पहले तो इसको आपने मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप क्यों कहा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे। उसमें क्या ध्यान रखना है, मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा उसका सफिक्स यूज, सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, बाकी सबके प्रीफिक्स यूज होंगे, और एज ए प्रीफिक्स हमेशा इनको किसमें लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखा जाएगा, जो हमारे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है उनके साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर अरेंज होंगे, बाकी रूल सारे वही रहेंगे। यानी कि अब सारे के सारे रूल SMF पे डिपेंड करेंगे कि जो SMF बनेगा प्रायोरिटी में वो विद कार्बन है या विदाउट कार्बन। अगर विद कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जैसे हमने अभी स्टार्ट की है, विदाउट कार्बन है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होगी, एट टर्मिनल एंड अदर देन टर्मिनल के बेसिस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए उनको वापस वॉच कर लीजिए और फिर इसको वापस देखिए तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप की और प्रैक्टिस करते हैं अपन।
तो स्टूडेंट्स अब अपन मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप्स में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला परमानेंट याद रखिए, सब्स्टिट्यूएंट्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड हो तो ए, डबल बॉन्ड ई, ट्रिपल बॉन्ड आई। सेकेंडरी सफिक्स किसका होगा, हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप्स के होंगे, और इसमें से जो प्रायोरिटी में पहले आएगा उसका हमेशा सेकेंडरी सफिक्स लेना है। ये जो आपको रेड इंक में दिख रहे हैं ये आपके सारे इन रेस्पेक्टिव मेन फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स है, और आपको याद भी होंगे, जैसे COH का ओइक एसिड, SO3H का सल्फोनिक एसिड, CCO का ओइक एनहाइड्राइड, ईस्टर का ओएट, एसिड हैलाइड का ऑयल हैलाइड, अमाइड का अमाइडी है, साइनाइड का नाइट्राइड, आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइड, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन, OH का ऑल, अल्कोहल का ऑल हो गया, मरकैप्टो इनकी थायो अल्कोहल का थियोल, NH2 का अमाइड, जो मोस्टली यूज होते हैं। उसमें प्रीफिक्स में जाएंगे तो कार्बोक्सी सल्फो, ईस्टर का होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एसिड हैलाइड का हेलो कार्बोनाइल, और अमाइड का होगा कार्बोमाइल, है ना, एम लिखना है, साइनो आइसोसाइनो, CHO का फॉर्माइल, कीटोन का ऑक्सो या कीटो, और हाइड्रोक्सी OH एल्कोहल का हो जाएगा, मरकैप्टो थियो एल्कोहल का हो जाएगा, और अमाइन का अमाइनो, और ईथर अगर आती है तो ओपन चेन का एल्कोक्सी, और साइकिल का आपका एपॉक्सी, ठीक है। ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स की डिटेल जो आपको यूज करनी है। अब अपन इसमें एग्जांपल से लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको कोई भी इस तरह का IUPAC नॉमिनिक्लेचर दिया जाता है, और उसमें कोई भी मल्टी फंक्शनल ग्रुप मीन्स इनमें से कोई भी हो सकता है, रेंडमली आप कोई भी प्लेस करके नाम ट्राई कर सकते हैं, जैसे SO3H। सपोज अपन ने ये कोई स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। अब देखिए प्लान करिए इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता करना है कौन से मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्कोहल, कीटोन, कीटोन क्यों है क्योंकि दोनों साइड में कार्बन है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और सल्फोनिक एसिड, है ना। तो ये हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। अब इन मेन फंक्शनल ग्रुप में देखो आपकी जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है, जैसे मैंने कहा था ये पूरा ऊपर की तरफ आपका प्रायोरिटी ऑर्डर्स है, तो इसमें देखो सबसे इनमें से सबसे ऊपर कौन आ रहा, तो SO3H सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसका तो लगेगा सफिक्स। बाकी जितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप्स है इन सबके प्रीफिक्स यूज होंगे, और एज ए प्रीफिक्स जब कोई भी चीज आती है तो उसको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखा जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले नंबरिंग कैसे फाइनल करें, तो अब आपका ये रह गया प्रायोरिटी ऑर्डर का मेन फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। अब इसका रूल बताओ, जैसे ये कैसा फंक्शनल ग्रुप्स है प्रायोरिटी में, विदाउट कार्बन, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी सी की थी अपन ने, कौन कौन सी, एट टर्मिनल और अदर देन टर्मिनल। तो देखो जिस कार्बन से ये अटैच्ड है क्या ये चेन का लास्ट कार्बन है, नो, क्योंकि लास्ट कार्बन ये है। ये दो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। अब इनमें से अदर देन में क्या रूल होता है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल साइड फ्रॉम वेयर द SO3 अटैच्ड ग्रुप इज अटैच्ड कार्बन इज नियरर। तो ये यहां से टू पे आ रहा है, यहां से तो लेंथ ही होगा, तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये आपकी नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से ये बाकी सब ट्वेंट ये तो पता ही है ब्रोमो, अब इनके जो मेन फंक्शनल ग्रुप से इनके प्रीफिक्स देखे, जैसे OH है, तो देखो OH का प्रीफिक्स क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, है ना। OH का प्रीफिक्स देखिए इसमें क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, तो यहां लिख दीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, हाइड्रोक्सी। सी डबल बॉन्ड हो यानी कि कीटोन, तो कीटोन का आप ऑक्सो या कीटो कोई भी लिख सकते हैं, तो जैसे सपोज आपने ऑक्सो लिया, कीटो होता तो अल्फाबेटिकली आगे पीछे हो जाएगा। और CN का देखिए, CN का प्रीफिक्स क्या आ रहा है, साइनो, तो ये आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा साइनो। उसके बाद NC है स्टूडेंट्स, तो NC का आ जाएगा आइसोसाइनो, ठीक है। तो ये आपके सारे प्रीफिक्स, अब इन प्रीफिक्स को एज ए सप्लीमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दी, यस। स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपका देख लीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग में B है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा आपका 6-bromo, ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज करते जाइए, 6-bromo हो गया। उसके बाद में 4 आपका साइनो आ जाएगा, साइनो, है ना, 4 पे साइनो। उसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए,
यस। तो इसमें बच्चों जी ठीक है, हो गया यहां तक ओके। फिर है अपने पास में सेवन हाइड्रोक्सी, पोजीशन के साथ में लिखते जाइए सेवन हाइड्रोक्सी। फिर आ जाएगा आपका थ्री आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, और फिर आपका फाइव पे आ जाएगा ऑक्सो। ये आपके सब्टुएंट कंप्लीट हो गए ठीक है। ये आइसोसाइनो है और सब्टुएंट कंप्लीट के बाद क्या लिखते हैं रूट वर्ड। कितने कार्बन है एट, तो एट का क्या लिखोगे ऑक्ट। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का एन है ना एन। और उसके बाद में सल्फो, इसकी डिजिट आ रही है इसीलिए ई हटा दीजिए और डैश। और कितने पे आपका, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स हो गया एन और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स, तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाले का सेकेंडरी सफिक्स टू पे है टू। और इसका आ जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड ठीक है। ये इसका परफेक्ट नेम हो गया। यस स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ट्राई करें। यस, जैसे आपको डैश लाइन को स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स साइनाइड एल्कोहल्स थायो एल्कोहल हाइड्रोक्सी ठीक है, और आपके पास में अमाइड ओके। तो ये आपका कोई स्ट्रक्चर है मल्टीफंक्शनल ग्रुप्स में। तो देखिए इसमें स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक तो ओएच प्रेजेंट है, एक साइनाइड है, एक थायो एल्कोहल है और एक आपके पास में CuNH2। पता करिए, यस वीडियो पॉज करके देखो इसमें से प्रायोरिटी में कौन आ रहा है। तो प्रायोरिटी में अमाइड जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है स्टूडेंट्स, इन सब में जो हमारे पास प्रेजेंट है। साइनाइड उसके डाउन में है, SH और OH तो काफी नीचे है, तो इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन है, इसका सफिक्स लगेगा सेकेंडरी सफिक्स है ना। और ये कैसा ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग, इसीलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, ये आपके पास में टोटल नॉमिनिक्लेचर हो गया। नाउ राइट द नेम, इससे पहले यही इसकी हैबिट डाल दीजिए, यहां पे लिख दो ताकि आपको याद होता जाए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी सीएन को बोलेंगे साइनो, एसएच को बोलेंगे मरकैप्टो ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं यहां से, देखो सीएन का अपन को पता ही है साइनो, SH का आएगा मरकैप्टो ठीक है, मरकैप्टो ग्रुप ले लीजिए इसके अंदर, और OH का हाइड्रोक्सी है ये आपका ओके। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, सबसे पहले सब्टुएंट, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए ठीक है। सबसे पहले फोर साइनो ले लो, तो ये आपका आ गया फोर साइनो। नेक्स्ट उसके बाद फोर साइनो के बाद में अपने पास में दो H है, तो कहां कहां पे, थ्री और एट पे, तो 3.8 डाई हाइड्रोक्सी ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलिए कौन सा रह गया, SH, तो 2 मरकैप्टो, पोजीशन के साथ में लिखिए 2 मरकैप्टो ठीक है। नाउ ये आपके सब्टुएंट कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू रूट वर्ड, रूट वर्ड 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन में NONE ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी, दोनों ही प्राइमरी सफिक्स है, तो पहले हमेशा इन को लिखना है, बाद में आइन को लिखना है अल्फाबेटिकली ई एंड वाई। तो इसीलिए पहले ये आपका प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, सेवन पे, ई हटा दीजिए सेवन ई, इन का ई हटा दीजिए, आगे डिजिट आ रही है। और फाइव पे आपका क्या आ रहा है, आइन, आइन का भी ई हटा दीजिए क्योंकि आगे डिजिट मेंशन हो। अब वो जरूरी नहीं है कि आप वन मेंशन करें ठीक है। और इसका देखो CuNH2 का देखिए, आपको सफिक्स यूज करना है, तो सफिक्स क्या आ रहा है, अमाइड है ना, तो इसमें आप अमाइड प्ले, अब आप वन अमाइड लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा अमाइड भी हो सकता है। तो ये इसका नॉमिनिक्लेचर हो गया। और प्रैक्टिस देखिए स्टूडेंट्स, मल्टी मेन फंक्शनल ग्रुप्स की, जैसे ये डेस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें आपको सी OCH3 डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो और कोई भी नाम ले लीजिए जैसे BR ओके। अब इसका आपको IUPAC लिखना है, तो अब देखो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो C डबल बॉन्डो है ये, तो इसके वही बॉडीगार्ड चेक करने, सबसे जो ज्यादा ध्यान रखना कीटोन वाले का ध्यान रखना, कीटोन तभी हो सकता है
जब दोनों साइड में सराउंडेड में कार्बन बॉडी का एच हो। इसीलिए ये कीटोन है क्योंकि दोनों साइड में कार्बन है, ये कीटोन है क्योंकि दोनों साइड में कार्बन से। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, ये जो कीटोन नहीं है, थर्ड वन कीटोन क्यों नहीं है? कीटोन की कंपलसरी कंडीशन दोनों साइड में क्या आना चाहिए? सी। तो यहां से देखो, अब ये जो आप लेंगे तो इस साइड में आपका सी आ रहा है, उस साइड में सी नहीं है, ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए। इसीलिए ये कीटोन नहीं है। इसका मतलब इसको इसके साथ मर्ज करके देखना पड़ेगा कोई नया फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। तो देखो सी ओ ओ आर, आर मतलब मिथाइल इथाइल, तो ये सी ओ ओ आर क्या आ रहा है? ईस्टर फॉर्म है ना, तो ये देखो सी ओ ओ आर, तो ये सी ओ ओ आर, आर की वैल्यू हो सकती है कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो ये पूरा ईस्टर फॉर्म है। तो इसको अपन कौन सा फंक्शनल ग्रुप डेजिग्नेट करेंगे कॉमन में? ईस्टर। फिर सेकेंडरी, अब प्रायोरिटी देख लीजिए, कीटोन और ईस्टर में पहले कीटोन ये रहा, ये आपका ईस्टर, तो प्रायोरिटी में ईस्टर आया, इसका सफिक्स लगेगा, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता? ओएट। और कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, इधर जा नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ईस्टर के केस में हमने कहा था वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट, ये इसमें ध्यान रखना, इससे पहले अपन को वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये विदाउट नंबर लिखा जाएगा सबसे पहले, इवन आप अल्फाबेट्स भी फॉलो नहीं करेंगे इसमें, सीधा सीधा ये पहले लिखेंगे पहली चीज। फिर नंबरिंग कंटिन्यू हो जाएगी आपकी फंक्शनल को, बैक साइड में नंबरिंग जाएगी ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट इसमें, तो ये वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट आपको सबसे पहले लिखना है बच्चों, तो इसमें आ जाएगा आपका मिथाइल। अब आप वापस रूटीन, तो इसके अच्छा कीटो, इसका आप कीटो भी लिख सकते हैं या ऑक्सो, तो सपोज आपने कीटो ले लिया, ठीक है, ये ब्रोमो है ये। इसके बाद इनके अल्फाबेट्स देख लीजिए, तो पहले क्या आ जाए, बस सिर्फ इसको पहले लिखना वीआईपी वाले को, तो ये आपका आ जाएगा फाइव ब्रोमो, ठीक है, फाइव ब्रोमो। अब देखिए कहां कहां पे कीटो है, टू और फोर पे, तो 2.4 डाई कीटो है ना, फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग जरूर लिखनी है, डाई कीटो। फिर कितने 6 है बच्चों, तो 6 रूट वर्ड आ गया हेक्स, हेक्स के साथ सारे सिंगल बॉन्ड है, एन का हटा दीजिए 108, या आप चाहें तो 1 नहीं लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं हेक्सेनोएट, ठीक है, दोनों ही आंसर राइट है। तो दिस वन इज परफेक्ट नेम फॉर ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CHO है ना, बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड हो, CHCl CH2 ब्रोमो ले लीजिए, CHNO2 COOH, ठीक है, ये कोई नॉमिनिक्लेचर है? यस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से आए, तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपका एल्डिहाइड है, दो है, यस, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी में कौन है? ऑफ कोर्स एसिडी है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट में है, क्लोरो नाइट्रो ब्रोमो। अब लॉन्गेस्ट चेन की, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में बहुत ही स्पेशल केस, इसीलिए विशेष ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे नंबरिंग वही सब, तो कार्बन कंटेनिंग है तो 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 के बाद देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 5 के बाद अगर आप इस पे जाते हैं, ठीक है, इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन में लेते हैं तो यहां 6 हो जाएगा, तो उस केस में CHO एज इट इज रिमेन रहेगा, दो स्टडी केस स्टडी है इसमें, जब CHO पूरा अगर लॉन्गेस्ट चेन से एक्सक्लूड हो गया है तब तो इसका प्रीफिक्स आता है फॉर्माइल, ठीक है, पहले इस प्रीफिक्स को लेके एक बार नाम लिख देते हैं, फिर अपन लॉन्गेस्ट चेन को चेंज करते हैं, यस। तो अभी इसमें जब आप लिखेंगे बच्चों, तो इसमें जैसे ही आपका ये 6 चेन हो गई, इनको अल्फाबेटिकली NO2 को क्या बोलेंगे आप? नाइट्रो। इसको क्या बोलोगे? क्लोरो। इसको क्या बोलोगे? ब्रोमो, है ना, अल्फाबेटिकल लिख दीजिए, तो क्या आएगा? 3 ब्रोमो, यह आपका 3 ब्रोमो हो गया, 3 ब्रोमो के बाद 4 क्लोरो, ये 4 क्लोरो, उसके बाद में 5th पे क्या आ रहा है? 5 फॉर्माइल, इनकी पूरा CH, फिर 2 पे आपका आ रहा है नाइट्रो,
ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन में सिक्स कार्बन है तो सिक्स को अपन लिखेंगे हेक्स, हेक्स टोटल हो गया रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लगा दीजिए एन, ठीक है। और एन का ई हटा दो क्योंकि इसका ओइक एसिड है तो वोवल इसमें आ जाएगी, तो इसको लिख दीजिए ओइक, वन की जरूरत नहीं है तो ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए ध्यान से, अगर कोई स्टूडेंट इसमें सिक्स इधर नहीं जाके कोई अगर इसको, क्योंकि ये भी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो सकता है ना, ये भी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो सकता है, तो यहां भी सिक्स हो सकता है। ये सिक्स होने से ये जो कार्बन तो आपका लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड वो जो आपको दिख रहा है इसमें ये वाला ना, ये फिर आपका सब्ट्वेंट बनेगा, तो इसको ऑक्सो बोलना पड़ेगा और इसको आपको अलग से मिथाइल, तो इसमें नंबर ऑफ सब्ट्वेंट दो हो गए तो ये बेस्ट मोस्ट करेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि जितने अगर दो लॉन्गेस्ट चेन सेम हो रही हो तो वहां पे मोर नंबर ऑफ सब्ट्वेंट वाला आंसर बेटर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे सिक्स लेंगे, तो फिर आपको इसको फॉर्माइल नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आपको ऑक्सो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा इसका पॉसिबल नेम जो है वो जाएगा आपका, अब ऑक्सो यूज करना वापस से अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए, तो ये आपका थ्री पे तो ब्रोमो आ जाएगा, थ्री ब्रोमो, ठीक है। फिर फोर पे आपका क्लोरो, ये फोर क्लोरो, ठीक है। ये ऑक्सो है, ये मिथाइल है, वो नाइट्रो है, ठीक है। अब ले लीजिए मिथाइल, तो ये फाइव पे आपकी आ जाएगी मिथाइल, फाइव मिथाइल ले लिया। उसके बाद में टू पे आ जाएगा आपका नाइट्रो, और एक रह गया ये सिक्स पे ऑक्सो, तो ये आपका सिक्स पे ऑक्सो। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, रूट वर्ड सब्ट्वेंट कंप्लीट हो गए। अब रूट वर्ड, रूट वर्ड में कार्बन वही है सिक्स, तो सिक्स का क्या लिखोगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड का एन और COH का आ जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो ये तो हो गया इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉर्माइल CHO, जब आपको इस चेन में जाकर के इसको पूरा एक्सक्लूड कर, इसीलिए जो आपके पास में CHO ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, उसके फॉर्माइल के साथ में ऑक्सो भी ये केस होता है जिसमें ऑक्सो भी प्लेस कर सकते हैं, तो ये आपका एक तो ये हो जाएगा, और अगर आप ऑक्सो कंसीडर करते हैं तो उस केस में ये चेन इधर आ जाएगी और मिथाइल एक एक्स्ट्रा सब्ट्वेंट हो जाएगा, तो ये इसमें एस पर प्रीफिक्स चेंज आइदर फॉर्माइल और ऑक्सो वी कैन राइट टू नेम्स। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। यस स्टूडेंट्स, अब अपन एक थोड़ा सा सेपरेट नॉमिनिक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मल IUPAC। फॉर्मल IUPAC कब यूज होगी और कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होगी, तो उसमें देखिए आपको एक टेबल दिख रही है फॉर फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये सेवन, नंबर वन कार्बोक्साइलिक एसिड, नंबर टू ईस्टर, नंबर थ्री एसिड अलाइड, नंबर फोर अमाइड, फाइव साइनाइड, सिक्स आइसोसाइनाइड और सेवन जो है वो आपका एल्डिहाइड। इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए स्टूडेंट्स एक अलग से फॉर्मल IUPAC सिस्टम भी होता है, ठीक है, जिनके रेस्पेक्टिव प्रीफिक्स तो ऑलमोस्ट वही रहते हैं, सफिक्स ये न्यू सफिक्स कहलाएंगे जिनको अपन फॉर्मल सफिक्स भी कह सकते हैं। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे कहलाएंगे फॉर्मल सफिक्स, ठीक है। अब इनको कब यूज करना है तो इसकी कुछ कंडीशंस है वो देखिए साइड में, कि दिस नॉमिनिक्लेचर यानी कि फॉर्मलाइज दिस नॉमिनिक्लेचर सिस्टम इज यूज्ड व्हेन दीज मेन फंक्शन, कौन से दीज, ये सेवन जो अपन काम में ले रहे हैं, दीज मेन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन थ्री और मोर देन थ्री टाइम्स इन ओपन चेन। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे स्टूडेंट्स आपके पास में CH3 CH2, इसपे भी आप COH लिख देते हैं, इसपे भी आप COH लिख देते हैं, इसपे भी आप COH लिख देते हैं, अब ये थ्री टाइम्स आ गया, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप्स है। पहले क्या करते अपन, टू टाइम्स तक तो ये था कि आप एक नंबरिंग शुरू करो दूसरी तक पहुंच जाओ, तो ये बीच में प्रायोरिटी पे नहीं आ पाएगा, जबकि तीनों का सफिक्स लगना चाहिए अगर एक ही टाइप के है तो, एक ही टाइप के मतलब, तो अगर आप इनका नॉमिनिक्लेचर लेंगे लॉन्गेस्ट चेन में तो ये पीछे रह जाएगा। अब इसका ऐसा कैसे हो सकता है कि एक का प्रीफिक्स होगा दो के सफिक्स होंगे, क्योंकि अगर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप्स है तो आपको सबके सफिक्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो चेन में इंक्लूड नहीं हो पाएगा, आप कहीं यहां से यहां तक करेंगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है कि फॉर्मल IUPAC आपको यूज करनी पड़ेगी, यानी कि अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप इन सेवन में से जो आपके पास में ये
इनमें से अगर थ्री और मोर देन थ्री टाइम्स, ये तो थ्री टाइम्स, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर ओपन चेन में आया हो, या जैसे आपके पास में कोई साइक्लिक कंपाउंड आया और इसके ऊपर आपने COOH लिख दिया, ठीक है। तो आगे लिखा हमने वाइल वन टाइम इन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बार भी आ गया तो भी ये सिस्टम अप्लाई होगा। क्योंकि देखो, अब अगर आप इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि आप ओपन चेन में नंबर देके साइकिल में चल जाओ, या तो ओपन को ही मिलेगा या साइकिल को ही मिलेगा। साइकिल में चूंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो जैसे आप अब इसमें चूंकि इसको वन नंबर देना पड़ेगा तो इसको तो नंबर नहीं मिला। जैसे ओपन चेन में तो आप क्या करते हैं, उस वाले को नंबर देते हैं, तो इसको नंबर नहीं मिला तो ये तो आपका कार्बन जो हो गया वो एक्सक्लूड रह गया। तो एक्सक्लूड के लिए ओइक सफिक्स नहीं लग सकता, ओइक इज ओनली। जैसे आपने ओइक कब प्लेस किया था कि जब उसका जो COOH ग्रुप है वो मेन चेन का पार्ट बनता हो, तो ही आप सफिक्स ओइक एसिड लिख सकते हैं, या रेस्पेक्टिव जो भी इनका सफिक्स है वो लिखेंगे। अब यहां पे जो ये एक्सक्लूड हो गया, तो जब आपका मेन फंक्शनल ग्रुप खुद ही एक्सक्लूड हो जाता हो तो उस केस में न्यू सफिक्स यूज होंगे। तो COOH को कार्बोऑक्साइलिक एसिड लिखेंगे, इस्टर का कार्बोऑक्सीलेट लिखेंगे, एसिड हैलाइड का कार्बोनाइल हैलाइड लिखेंगे, CONH2 को कार्बामाइड लिखेंगे, CN का कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, NC का कार्बाइल अमाइन लिखेंगे, और CHO का कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे। तो अब जैसे सपोज स्टूडेंट्स आपको इसका नॉमिनिक्लेचर लिखना हो, है ना, तो इसमें रूल है एक्सक्लूड। तो अब इसमें रूल जो बनेगा वो होगा एक्सक्लूड ऑल फंक्शनल ग्रुप्स ओनली हाइड्रोकार्बन चेन विल बी रूटवर्ड। तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन जो होगी वो आपकी स्टूडेंट्स रूटवर्ड्स रहेगी। यानी कि इन तीनों फंक्शनल कार्बन को एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वही आपका रूट वर्ड बनेगी, ठीक है। तो रूट वर्ड बनने के बाद नंबरिंग सिस्टम आ जाएगा। नंबरिंग तीनों पे है तो कहीं से ले लीजिए 1, 2, 3। सब्सट्रेट कोई हो तो आप प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो सीक्वेंस में रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें सब्सट्रेट नहीं है तो रूट वर्ड फॉर्मूला वही रखना जो आपने पहले किया है ना, रूट वर्ड लेना है, प्राइमरी सफिक्स लेना है, सेकेंडरी और सब्सट्रेट हो तो जस्ट इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। अभी है नहीं तो सीधा रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन रह गए, चूंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन ही रूट वर्ड होगी, ठीक है, ऐसे केस में तो थ्री रह गए। तो थ्री का क्या लिखोगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का एन, अब एन का ई हटा दीजिए, डिजिट आ रही है। अब सेकेंडरी सफिक्स तीनों का, तीनों सेम ही है, 1, 2, 3 पे आ रहे, तो सारी पोजिशन 1, 2, 3, ठीक है। और ये हो गए ट्राई, थ्री हो गए तो ट्राई, और इनका सफिक्स अब ये नया वाला लिखोगे कार्बो ऑक्साइलिक एसिड फॉर्म में, तो इसको लिख दीजिए कार्बो ऑक्साइलिक एसिड फॉर्म में। तो आगे लिख दो कार्बो, यानी ओइक नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, कार्बो क्योंकि एक्सक्लूड हो चुका है मेन चेन से, तो ट्राई कार्बो ऑक्साइलिक एसिड। इसी तरह से साइक्लो में होगा, तो साइक्लो में आप नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें जब भी कोई साइक्लिक फॉर्म होगा तो रूट वर्ड के आगे साइक्लो यूज हो जाएगा, ठीक है। और वन पे है तो उसका, तो इसका जब नॉमिनिक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हैग, सिंगल बॉन्ड का एन, और 1 कार्बो ऑक्साइलिक एसिड, ध्यान रखना है ओइक नहीं लिखना है, फॉर्मल IUPAC यूज होई। तो फॉर्मल IUPAC का मीनिंग समझे आप, क्या मीनिंग निकला कि इस सिस्टम को तब यूज किया जाता है जब एक ही फंक्शनल ग्रुप इन आउट ऑफ दीज 7 के लिए फंक्शनल ग्रुप ये सिस्टम होता है नॉमिनिक्लेचर। तो या तो ये 3 और मोर देन 3 टाइम्स किसी ओपन चेन में आए हो, या फिर किसी साइक्लिक कंपाउंड में 1 टाइम भी आ गया हो, तो आप ये फॉर्मल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा सारे फंक्शनल ग्रुप को एक्सक्लूड ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, ओनली हाइड्रोकार्बन चेन। जैसे इसमें भी आप देखेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, तो हाइड्रोकार्बन चेन विल बी रूट वर्ड। तो ऐसे केस में आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और एक्सक्लूड जब भी होगा तो उसके लिए न्यू सफिक्स जो होंगे वो फॉर्मल सफिक्स कहलाएंगे।
यस, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये टेबल नोट कर लीजिए, रूल भी नोट कर लीजिए कैसे इसको यूज करना है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन फॉर्मल सफिक्स में प्रैक्टिस कर ले। तो इसके अंदर फॉर्मूला इसमें भी इसी तरह से लिखना, जैसे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने अगर हो तो, फिर आपका रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड ओपन चेन में है तो टोटल कार्बन, साइक्लो हो तो आगे प्रीफिक्स में साइक्लो लगा दीजिए, प्राइमरी सफिक्स और यहां पे अब होगा एफएमएस, एफएमएस का मतलब फॉर्मल सफिक्स, ठीक है। इसमें आपको इन सेवन फंक्शनल ग्रुप्स के फॉर्मल सफिक्स यूज करने हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह जनरल रूल जो है उसको फॉलो करते हुए आप फॉर्मल सफिक्स ले सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज आपके पास में सी एच टू सी एच सी एच एंड सी एच टू हो गया, ओके। इन सब पे अपन साइनाइड लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो थ्री और मोर देन थ्री टाइम्स हो गया, तो क्या रूल है, एक्सक्लूड ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, ओनली हाइड्रोकार्बन चेन विल बी रूट वर्ड। तो ये रूट वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो रूट सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है तो आगे चल लीजिए, ठीक है। रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने टोटल फोर, तो फोर का ले लीजिए ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है एन, एन का ई हटा दीजिए, डिजिट आ रही है। अब नंबरिंग में कहीं से भी कर दो, सब पे है, तो वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, टेट्रा काउंटिंग है। और क्या है, साइनाइड। तो देखो साइनाइड का फॉर्मल सफिक्स क्या होगा, कार्ब वर्ड यूज हो जाएगा, मोस्टली कार्ब, क्योंकि वो एक्सक्लूड हो गया तो इसको बोलेंगे कार्ब नाइट्राइल, है ना, कार्ब नाइट्राइल। इसी तरह से अगर हमारे पास में एनसी आ जाता है, एनसी के अंदर फॉर्मल आईयूपीएसी आप कैसे, तो एनसी के लिए तो अगर एक भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे सपोज अपन इसके ऊपर एनसी प्लेस कर देते हैं और एक ब्रोमो भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, फंक्शनल अटैच टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ये आपका एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। तो इसके पहले टू पे तो सब्स्टिट्यूएंट है तो लिख दीजिए, तो ये तो आ जाएगा बच्चों टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद में रूट वर्ड, रूट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन फाइव है, तो फाइव को क्या लिखोगे, पेंट सिंगल बॉन्ड का एन, एन का ई हटा दीजिए अगर डिजिट लिखनी हो। अब वन, यहां पे ध्यान रखिए एनसी है, तो एनसी का फॉर्मल सफिक्स क्या आया, कार्बाइल अमाइन, तो ये आपकी बन जाएगी कार्बाइल अमाइन, है ना, कार्बाइल अमाइन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। यस स्टूडेंट, अब साइक्लिक में कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करते हैं अपन। सपोज आपके पास में ये कोई साइक्लोपेंटेन है और इस पे सीओओ सी टू एच फाइव आ जाता है, ठीक है। तो वही नंबरिंग शुरू कर दीजिए, वन टू, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है जब तक सब्स्टिट्यूएंट ना हो, फोर फाइव, क्या नाम लिखेंगे। अच्छा, साइक्लो जब भी हो स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना है रूट वर्ड से पहले, है ना, इफ साइक्लो तो साइक्लो वर्ड इसमें ऐड करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा आ जाइए साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन फाइव, तो फाइव का क्या बनेगा, पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का एन। अब यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट, चूंकि ईस्टर है, ईस्टर में कभी भी वीआईपी सिचुएशन नहीं भूलनी है, ये ईस्टर फॉर्म है ना, तो ये जो है ये हमेशा वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, इसीलिए इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इथाइल, ठीक है, इथाइल साइक्लोपेंट एन। एन चाहो तो वन लगाएंगे तो ये हटा दीजिए, और यहां पे ओ एट मत लगाइएगा, कार्बो ऑक्सीलेट, क्योंकि वो एक्सक्लूड है, जिस नंबर किसी अटैच्ड कार्बन को मिला है, तो ईस्टर का जो आपका सफिक्स आ रहा है वो कार फॉर्मल सफिक्स जो है वो कार्बो ऑक्सीलेट, तो ये इसका नेम होगा। इसी तरह से अगर आपके पास में COCl है ना, और कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लिख सकते हैं, तो ये जैसे कोई नॉमिनेट, स्टार्ट अगेन, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा आ गया, COCl, यानी कि अपन इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, तो अब एक बार सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है। यस, नाउ एक्सपेक्टेड नेम देखिए इसका क्या होगा, वही सब्स्टिट्यूएंट है तो टू क्लोरो, ये क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, वो क्लोरो मेन फंक्शनल ग्रुप का, तो टू क्लोरो, टू क्लोरो के बाद इसको बोलेंगे साइक्लो पेंट एन, है ना, एन, और वन पे क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका सफिक्स देखो आप फटाफट, देखो ये रहा कार्बोनाइल क्लोराइलाइड, एलाइड की जगह क्लोराइड, तो ये इसका नॉमिनिक्लेचर हो जाएगा। इसी तरह से अगर रिंग फॉर्म के अंदर दो आपको सीएचओ ग्रुप आउटसाइड में दे दिए जाते हैं,
तो नॉमिनिक्लेचर कैसे होगा? तो अगेन वही, किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप से शुरू कर दीजिए, 1, 2, इनको मिनिमम नंबर मिल जाए 3 और 4, ठीक है। तो स्टार्ट करो, सब्टुएंट है नहीं तो सीधा साइक्लो ब्यूट, है ना, साइक्लो ब्यूट के साथ सिंगल बॉन्ड। अब देखो 1, 2, 1, 2, अब की बार डाई लगाए क्योंकि दो बार आ गया, लेकिन लगेगा फॉर्मल सफिक्स ही। तो सी एच ओ का जो फॉर्मल सफिक्स है वो है कार्ब एल्डिहाइड, तो डाई और फिर हो जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो नॉमिनिक्लेचर इसी तरह से यूज करना, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए, सपोज स्टूडेंट्स आपके पास में एक सी ओ एच ग्रुप आ जाए और एक सी एच ओ आ जाए, अब क्या करें? तो इसमें वही है, 1, 2, 7 है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले सी एच सी ओ एच आएगा तो उसका फॉर्मल सफिक्स लगेगा, और दूसरा जो मेन फंक्शन है वो सब्टुएंट में कंसिडर होगा, और सब्टुएंट का हमेशा प्रीफिक्स, तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल हो जाएगा, और ये प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी वही है जो हमने लिस्ट बनाई थी उसी से लेना है, तो ये आपका 1। लेकिन 1 चूंकि अटैच को मिल रहा है तो एक्सक्लूड हो गया, एक्सक्लूड में वापस आपका सफिक्स फॉर्मल वाला काम आएगा, तो 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नॉमिनिक्लेचर लिखे अपन, तो ये आपका देखिए पोजिशन 2 पे आपका आ गया 2 फॉर्माइल, ये हो गया। उसके बाद में रूट वर्ड के पहले साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल फॉर्म में, तो साइक्लो पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का ए, और 1 पे आपका हो जाएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मल आईयूपीएसी विद साइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था कंप्लीट मल्टीपल आईयूपीएसी एंड फॉर्मल आईयूपीएसी नेम। यस, पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।